उत्पत्ति अध्याय 41, उत्पत्ति अध्याय 41। पूरे दो बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नदी में से सात सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी और क्या देखा कि उनके पीछे और सात गाय जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन सात सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडी में से सात मोटी और अच्छी अच्छी बाले निकली और क्या देखा कि उनके पीछे सात बाले पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन सातों मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जाग उठा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन से न कह सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधानों का दास था, सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूं। फिर क्या देखा कि नदी में से सात मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे सात और गाय निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गाय कभी नहीं देखी और इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली सातों मोटी मोटी गायों को खा लिया और जब वे उनको खा गए तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले की नाई जैसी की तैसी कुडौल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंडी में से सात अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बाले निकली। फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे और सात बाले छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन सात अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया पर इसका समझने वाला कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वे सात अच्छी अच्छी गाय सात वर्ष है
और वे सात अच्छी अच्छी बाले भी सात वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गाय निकली और जो सात छूछी और पुरवाय से मुरझाई हुई बाले निकली, वे अकाल के सात वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में सात वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात सात वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न दो बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के सात वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे और वह भोजन वस्तु अकाल के उन सात वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के निमित्त रखी जाएगी, जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह कराया और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। सो वह फिरौन के सन्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। सुकाल के सातों वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहां तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहके मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है
और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है, और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था।